नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनबीएस टीजीटी साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज सुबह हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन वीडियो एडिट करते समय थोड़ी सी गलती हो जाने की वजह से क्वेश्चन नंबर 8 दिख नहीं रहा है। इसलिए अब हम पुनः क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली ऑब्जर्व्ड इन जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है। वैन ए सोलर विंड कोलाइड्स प्लैनेट एट हाई स्पीड। ये कह रहा है कि जब एक सोलर विंड कोलाइड करती है प्लैनेट से हाई स्पीड से, तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ प्लैनेट ये डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स दियर पोल। ये जो डिस्टरबेंस होता है एटमॉस्फियर ऑफ द प्लैनेट में, वो करवाता है ब्रस्ट ऑफ रेडिएशन एंड चार्ज पार्टिकल। इसे ही कहते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये और क्या करवाता है, ये फ्लक्चुएट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द अर्थ। ये आल्सो डिसरप्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन को, मिशन लाइन को। बट जो माइक्रोवेव होती हैं, माइक्रोवेव नॉट मच अफेक्टेड बाई जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं और यूज होती हैं प्रपोगेशन ट्रांसमिशन में। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है, ये फ्लक्चुएट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द अर्थ, ये सही है। अभी हमने बताया कि ये फ्लक्चुएट करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। दूसरा ऑप्शन है डिसरप्शन ऑफ माइक्रोवेव प्रपोगेशन, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसको अभी हमने बताया माइक्रोवेव नॉट मच अफेक्टेड बाई जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यूज होती है प्रपोगेशन ट्रांसमिशन में। अब हम देखेंगे कि इसका तीसरा ऑप्शन क्या है, डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो ये अभी हमने बताया कि डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइन भी करती हैं। चौथा ऑप्शन है चार्ज पार्टिकल स्ट्रीमिंग आउट फ्रॉम द सन, तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें ब्रस्ट ऑफ रेडिएशन होता है, चार्ज पार्टिकल भी निकलते हैं, इसी को कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉन्टेंट ऑफ एंटीरियर कैविटी ऑफ द आई बॉल। तो इसका पहला ऑप्शन है विट्रस ह्यूमर। अब हम समझेंगे विट्रस ह्यूमर क्या होता है। विट्रस ह्यूमर जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूड होता है जो फिल होता है स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो दोस्तों, ये हमारा लेंस हो गया, इधर हम मान लेते ये रेटिना है और इधर कॉर्निया, और ये हमारी हो गई आई बॉल। तो ये वाला जो चैम्बर होता है ये कहलाता है पोस्टीरियर कैविटी। पोस्टीरियर कैविटी, इसी को कहते हैं पोस्टीरियर कैविटी को विट्रस ह्यूमर। इसमें ही अभी हमने बताया कलरलेस फ्लूड होता है जो फिल होता है स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। ये वाली कैविटी जो होती है ये एंटीरियर कैविटी होती है आई बॉल की, इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर।
इसमें क्या होता है, इसमें वाटरी फ्लूड होता है और ये स्पेस होती है कॉर्निया एंड लेंस के बीच की। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कंटेंट ऑफ एंटीरियर कैविटी ऑफ द आई बॉल, ये एक्वस ह्यूमर हो गया आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन, ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्वस सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा ऑन इंक्रीजिंग, चूंकि हम जानते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज कर जाता है, चूंकि हम जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक वॉल्यूम इन लीटर। चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है सो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीजेस, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है मोलरिटी टू डिक्रीज। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आरएनए वायरस, ये पूछ रहा है आरएनए वायरस का एग्जाम्पल क्या है। अब हम देख लेते हैं आरएनए वायरस किस में पाया जाता है। आरएनए वायरस पाया जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस में, हेपेटाइटिस सी वायरस में, इबोला वायरस में, इन्फ्लुएंजा वायरस में भी आरएनए पाया जाता है, पोलियो में भी आरएनए वायरस पाया जाता है, मिजल्स में भी आरएनए वायरस पाया जाता है, एचआईवी में भी आरएनए पाया जाता है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे एग्जांपल जिसमें आरएनए वायरस पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए वायरस पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका है सियामीज वायरस, सियामीज वायरस जो होता है वो होता है ओंकोजेनिक डीएनए वायरस, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ। तीसरा ऑप्शन है एडिनो वायरस, एडिनो वायरस जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। चौथा ऑप्शन है टी फोर फेज, ये एक बैक्टीरियो फेज है जो पाया जाता है ई कोलाई में और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है। इसका सही आंसर है टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है सपोज दैट द सैंपल ऑफ द गैस हैज इतना एटम इन वन क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये पूछ रहा है व्हाट इज द पार्टिकल डेंसिटी। चूंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल ऑब्लिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, अब हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है और हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल के इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एटम दिया 5.55 इनटू 10^18 एटम, एवोगैड्रो नंबर होती है 6.023 इंटू 10^23, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 0.9216 इंटू 10^-5, तो पार्टिकल डेंसिटी आ जाएगी। पार्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 0.9216 इंटू 10^-5, वैल्यूम हमको दिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 10^-2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा
9.216 मोल पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 9.22 मोल पर मीटर क्यूब। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो ड्रग है साइटोक्लासिन बी, ये ब्लॉक करता है फंक्शन ऑफ द एक्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द एनिमल साइकिल वुड बी। चूँकि हम जानते हैं जो ये साइटोक्लासिन बी होता है वो होता है सेल परमिएबल माइकोटॉक्सिन, और ये काम क्या करता है, ये सॉर्ट करता है एक्टिन फिलामेंट को बाय ब्लॉकिंग द इसके मोनोमर को ब्लॉक करके एक्टिन फिलामेंट के एक्शन को सॉर्ट करता है। और क्या करता है साइटोक्लासिन बी, ये ब्लॉक करता है फंक्शन ऑफ एक्टिन को बाय डिसरप्टिंग द क्लीबेज फरो फॉर्मेशन एंड साइटोकाइनेसिस के द्वारा। और ये काम क्या करता है साइटोक्लासिन बी, ये इनहिबिट करता है एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन को। ये एक्टिन फिलामेंट, चूंकि हम जानते हैं, एक पॉइंट और एक देख लेते हैं हम, एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो पॉलीमर होता है ग्लोब्यूलर एक्टिन का, जिसे हम जी एक्टिन भी कहते हैं। तो इसका साइटोक्लासिन भी ब्लॉक करता है फंक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट को, तो एनिमल साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन है स्पिंडल अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर, तो ये रॉन्ग है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेल इलांगेशन ड्यूरिंग द एनाफेज, ये भी रॉन्ग है। डीएनए सिंथेसिस, ये भी रॉन्ग है। अभी हमने बताया कि ये ब्लॉक करता है एक्टिन फिलामेंट एक्शन को बाय डिसरप्टिंग द क्लीबेज फरो फॉर्मेशन एंड साइटोकाइनेसिस, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, क्लीबेज फरो फॉर्मेशन एंड साइटोकाइनेसिस। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोल टार इज मेन सोर्स ऑफ, चूंकि हम जानते हैं ये जो कोल टार होता है वो ऑप्टेन होता है हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से, और ये होता है विस्कस लिक्विड और कंपोज्ड होता है एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन का। कोल टार जो होता है वो ऑप्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल से, ये एक विस्कस लिक्विड होता है, कंपोज्ड होता है मेनली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या, हम इसको भी जान लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये मस्ट बी साइक्लिक होते हैं, और इनके पास 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके पास रिजोनेंस एनर्जी ज़रूर होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कोल टार इज मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये सही है, आंसर है। इसका दूसरा ऑप्शन हम ये जान लेते हैं एलिफैटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, और बनाते हैं नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो एलिफैटिक कंपाउंड वे होते हैं जिसमें कार्बन एटम बॉन्डेड होते हैं सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, और बनाते हैं नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तीसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम के अलावा अन्य एटम
जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी पाए जाते हैं, उन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं? साइक्लोएल्केन में जो है एल्केन ज्वाइन होके एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाता है, उसे साइक्लोएल्केन कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वन ए टेनिस बॉल हिट इनटू द एटमॉस्फियर हैज इनिशियल स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर बेस्ट रिप्रेजेंट द एंगल अबव हॉरिजॉन्टल दैट द बॉल शुड हिट टू रिमेन्स इनटू द एटमॉस्फियर फॉर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द टाइम। मान लो ये कोई बॉल है, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट हुई, तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। इसका ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिससे थीटा लगा होता है उसे हम लिखते हैं एफ कॉस थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, जिसे हम लिखते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये एफ नेट हो गया। चूँकि हम जानते हैं ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है मेक द बॉल रिमेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन एटमॉस्फियर, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है ये अभी हमने बताया एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तभी साइन थीटा 90 इज इक्वल टू 1, 1 वैल्यू इसकी हाईएस्ट होती है जिसमें बॉल हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द टाइम एटमॉस्फियर में रहेगा। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम साइन थीटा 30 लेते हैं तो वैल्यू घट जाएगी, 45 लेते हैं तो भी घटेगी, एंड 60 लेंगे तब भी घट जाएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। चूँकि हम जानते हैं कि मान लो कोई भी टिश्यू है, अगर वो इंजर्ड हुआ तो वहाँ पे एक क्लॉट बनेगा जिसे फाइब्रिन कहते हैं। इस फाइब्रिन में होता क्या है? फाइब्रिन में जो है ये ट्रैप करता है डेड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड को, जिससे ये बनाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन अब ये बनता किससे है? एक एंजाइम पाया जाता है प्लाज्मा में जो इनएक्टिव स्टेज में होता है, जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन एक अनदर एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन होता है जो प्लाज्मा में पाया जाता है, ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये जो होल प्रोसेस होती है, जैसे कोई टिश्यू इंजर्ड हुआ तो उसमें जो डेड एलिमेंट होते हैं ब्लड के वो ट्रैप हो जाते हैं और बनाते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन का कन्वर्जन और एक तरीके से होता है प्लाज्मा में, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन होता है वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक इनएक्टिव सब्सटेंस प्लाज्मा में होता है जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये जो होल प्रोसेस होती है इसे कहते हैं कैस्केड रिएक्शन ऑफ द
कोगुलेशन प्रोसेस। तो इसका पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रॉम्बिन, ये रॉन्ग है। इसमें प्रोथ्रॉम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये इनएक्टिव स्टेज में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है पहले से। तो इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। अभी हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन भी हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन भी होता है। अब हम जानते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में प्लेटलेट्स और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर और सीरम फ्रैक्शन होते हैं, ये मिलके बनाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द बोन इन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में टोटल 206 बोन होती हैं। एट द टाइम ऑफ द बर्थ 300 बोन होती हैं, जिसमें से मैक्सिमम फ्यूज्ड हो जाती हैं। अब ये 206 बोन जो होती हैं इसमें है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडी कुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती हैं, जिसमें लिम्ब और ग्रिडल के बोन आते हैं। एक्सियल स्केलेटन में स्कल बोन होती हैं जो 28 बोन होती है, स्कल में हाइअवायर्ड बोन होती है जो एक बोन होती है, हाइअवायर्ड बोन भी स्कल बोन में इंक्लूड होती है। और एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है वर्टीब्रल कॉलम, इसमें 26 बोन होती हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत स्टर्नम आता है, इसमें एक बोन होती है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर रिब्स भी होता है जो 12 पेयर में होती हैं या 24 बोन्स होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन 206 होती हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 10 ml ऑफ 1 ml NaOH सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml ऑफ 1 ml H2SO4 सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, चूंकि N1B1 इज इक्वल टू N2B2। अब हम नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो N1 इज इक्वल टू मोलरिटी है NOH की, 1 वैलेंस फैक्टर होता है इसका 1, तो N1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब N2 हम फाइंड आउट करेंगे, H2SO4 की मोलरिटी दी हुई है 1 ml, इसका बैलेंस फैक्टर 2 होता है, तो N2 इज इक्वल टू 2। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट अप करेंगे, N1 हमको पता चल गया 1, B1 दिया हुआ है 10 ml और N2 2 है, B2 हमें फाइंड आउट करना है, तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ml सॉल्यूशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 5 ml। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब हम जान लेते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। ये टेक्निक होती है जो शो करती है
जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, जो फादर हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, वो हैं प्रिंटिंग, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरी हैं, और फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया ये हैं डॉक्टर लालजी सिंह। तो हमारा हो गया, इसमें पूछ रहा है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरीज। हम जान जा लेते हैं ये हरगोविंद खुराना जी ने क्या किया। हरगोविंद खुराना ने सिंथेसाइज किया ओलिगो न्यूक्लियोटाइड को। जेम्स एंड वॉटसन ने क्या किया, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को दिया। और नीरनबर्ग ने क्या किया, इन्होंने डिटरमाइन किया सीक्वेंस ऑफ लेटर इन ईच ट्रिपलेट फॉर द एमिनो एसिड, जिसे कोडोन नाम दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच ईच टर्म ऑन द लेफ्ट विद स्टेटमेंट ऑन द राइट। ट्रेट क्या होता है, ट्रेट होता है वेरिएंट फॉर ए करेक्टर, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल आई कलर हाइट ऑफ द पर्सन डिफर इन एवरी इंडिविजुअल। बी है जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मान लो कहीं कैपिटल बी लिखा है, इसका मतलब होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर लिखा है कैपिटल बी स्मॉल बी तो ये होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और अगर लिखा है स्मॉल बी तो ये होमोजाइगस रेसेसिव। तो ये डिटरमाइन करता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम देखते हैं एलील क्या होता है। एलील जो होता है वो अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ ए जीन, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी हो गया, मान लो ये कोई एलील है, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, या स्मॉल सी, ये एलील का अल्टरनेटिव वर्जन है, अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ ए जीन, इसे एलील कहते हैं। टेस क्रॉस क्या है, टेस क्रॉस जो होता है वो क्रॉस होता है एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप विद होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है अननोन जीनोटाइप का विद होमोजाइगस रेसेसिव, तो ये वैल्यू आएगी, मतलब दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं और दो होमोजाइगस रेसेसिव, मतलब 2:2, या इसको हम लिख सकते हैं 1:1, ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर ए सिंगल करेक्टर। अगर यही पूछता डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो हम बोल देते डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर टू करेक्टर। दोस्तों बाकी बचे क्वेश्चन का फुल डिटेल हम जल्द ही अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।